नमस्कार साथियों, आज है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा के 9,760 पदों के लिए आवेदन 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, जिसमें ये पद रखे गए हैं आपके से 11 अप्रैल से 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी के 1668 पद रखे गए, हिंदी के 1298 पद, मैथ के रखे गए 1813, संस्कृत के सबसे ज़्यादा 1800 पद इस भर्ती में आए हैं, विज्ञान के 1565, सामाजिक विज्ञान के 1640, पंजाबी के 70, उर्दू के 106 पद इसमें शामिल है। आयु सीमा इसकी 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक का एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। 11 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा 500 अंकों के लिए होगी। ये देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन, यहाँ पर इनके पदों का वर्गीकरण दे रखा है। आप आगे चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। भारतीय सेना में ग्रुप सी के रिक्त पदों पर भर्तियाँ होगी। LDC स्टोरकीपर, रसोइया, MTS चौकीदार, लश्कर के पदों पर होगी भर्तियाँ। इनके लिए आवेदन कैसे करना है यहाँ पर दिया है बिल्कुल। आगे बात करते हैं रीट प्रकरण। रीट प्रकरण अभ्यर्थी ने CM को लिखा खून से लिखा पत्र। रीट लेवल 2 के जो पेपर रद्द किया उसके विरोध में आक्रोश जताते हुए एक महिला अभ्यर्थी थी, उसने अपने अंगुलियों से खून निकाल कर लेटर है वो लिखा था जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। भारत में 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए। पहली बार देश के 18 यूट्यूब चैनलों पर भी लगा बैन। 4 पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी इसमें शामिल। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य कर सकती है सरकार। केंद्र और राज्य सरकार कर रही है विचार, गहलोत का बयान आया है। ये दोबारा रिपीट हुई है। PG प्रथम व तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। व्यास विश्वविद्यालय JNU पाठ्यक्रम 2022 में MA, MCOM, MSc और प्रथम व तृतीय सेमेस्टर नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने अब शुरू हो चुके हैं। CBSE प्रदर्शन से संबंधित विवाद निस्तारण के लिए 20 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 7 से 9 मई तक 6 पारियों में होगी परीक्षा। JN 2022 भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई जो 7 से 9 मई तक 6 पारियों में होगी। 3 विभागों में 1092 पदों पर होगी भर्ती। मई में जारी होंगे इसके एडमिट कार्ड। विश्वविद्यालय में LLB परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब LLB की जो तिथि आवेदन की उसको 18 अप्रैल तक परीक्षा आवेदन कर दिया और पुनर्मूल्यांकन परिणाम नहीं होने से छात्रों ने उठाई थी मांग। 18 तक आवेदन, 20 तक हार्ड कॉपी जमा होगी। RVSC परीक्षा जांच के बाद 15 दिन में भेजने होंगे ऑनलाइन 17 अंक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के 15 दिन में प्रश्नों का उत्तर जांच कर अंक देना, ऑनलाइन बोर्ड को भेजना होगा। गणित के सवाल से छात्र हतप्रभ। ISC की परीक्षा में छात्र उस समय हतप्रभ रह गए जब उन्होंने एक ऑब्जेक्ट जो अजीबोगरीब प्रश्न देखने को मिला। यह सवाल था कि एक गोरी दुल्हन प्राप्त करने की सभ्य संभाव्यता बताइए। उन्हें पूछा था कि व्यक्ति गोरी दुल्हन अच्छा दे, इस दुल्हन के स्टाइलिश और मैनर्स में किसे तरजीह देगा। तो अजीबोगरीब प्रश्न था, कोई कैलकुलेटर का कोई वहाँ पर कोई नियम नहीं था। NEET PG इंटर्नशिप। सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG इंटर्नशिप के लिए नई डेडलाइन देने से मना किया। आज का सुविचार, बुरा यह है कि समय कम है और अच्छा यह है कि अभी समय है। तो आज के समाचार यहीं से होते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।